वालेकुम, क्या हाल है खवातीन हजरात। यकीनन आप लोग सब फिट फाट होंगे और आपका भाई भी एकदम फिट फाट छका छकास है। तो अब आपका भाई हाजिर हुआ है एक और ट्रैवल सीरीज के साथ। तो आज का जो प्लान है वो बहुत तगड़ा प्लान है। इसके लिए भाई ने कमेटियाँ डाली हैं और सोने पे सुहागा जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पेट्रोल की ऐसी की तैसी कर दी है ना कि घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो खैर फिर भी लेकिन भाई ने कमेटी डाली हुई थी। तो ये है कि अब भाई जो है इस टाइम लाहौर से तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकलेंगे और प्लान जो है वो है स्कर्दू का। स्कर्दू वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट एंड अमेजिंग प्लेस इन द नॉर्थ एंड इन द पाकिस्तान। तो सीन ये है कि फिर अब हम निकलेंगे और आपको पता है जिस दिन ट्रिप पे निकलना हो तैयारी श्यारी करने के बावजूद जो है ना आप फिर भी लास्ट डे लास्ट 2 डेज या लास्ट मोमेंट पे आप भागम भाग कर रहे होते हो। तो स्टिल सेम मोमेंट है मेरा, पैकिंग शैकिंग कर दी है और आज चूंकि फैमिली के साथ ट्रिप है तो आपको पता है कि पैकिंग और सामान जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। इधर जब हम छड़े और छड़े जो हैं वो दो दो शर्ट्स पकड़ते हैं और एक एक पैंट पकड़ी और देन निकल गए। तो ट्रैवल पे ये है कि आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रैवल के ऊपर आप बहुत ही कम कम से कम खासकर जो आपके कपड़े हैं वो कम से कम लेके जाएं। उसकी रीज़न ये है कि आप एक तो बहुत सी परेशानी से बचे रहते हैं क्योंकि आपने जब होटल शिफ्ट करना होता है और अपने साथ कैरी करना होता है या लेके जाना होता है तो आप बहुत सी चीज़ें भूल सकते हैं। प्लस आपको एक टाइम, क्योंकि ट्रैवल के दौरान जब आप एक्सप्लोर कोई चीज़ करने जा रहे हो तो आपके पास टाइम कम होता है और आपने जगह ज़्यादा देखनी होती है और आप जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि आप मूव करें। तो जितना आप लो आपके साथ लगेज होगा उतनी जल्दी और आसानी से, मेंटली आसानी से आप मूव कर सकते हैं। फैमिली के साथ आपको पता थोड़ा सा चलें कॉम्प्रोमाइज़ चलता है। तो ये है कि फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमने सामान जो है बहुत लिमिटेड रखा है लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसके बगैर इंसान नहीं चल सकता तो वो नेसेसरी हैं। खासकर जो फर्स्ट एड है वो आपको लाजमी लेके जानी चाहिए। तो ये सीन है। तो और प्लान ये है कि इस टाइम शाम के टाइम मैं निकल रहा हूँ और मोस्टली लोग हम लोग जो हैं जो ट्रैवल करते हैं वो स्टे करते हैं नारान, नारान के बाद बटाकुंडी इस तरह से। तो भाई का जो प्लान है वो है डायरेक्ट डायरेक्ट जाने का। स्टे करते जाएंगे, आप कंटिन्यूसली नहीं ड्राइव करनी भी नहीं चाहिए, ना ही कर सकते हैं और ना ही करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यार एक तो माउंटेनरी इलाका है और इसके अलावा जो है वो आपके पास काफ़ी लंबा रूट बन जाता है और तकरीबन 1000 के करीब ये जो है ना किलोमीटर्स बन जाते हैं, 1100 किलोमीटर के करीब बन जाते हैं। तो ये सीन है। तो देखते हैं अब किस तरह से जाते हैं। अभी मैं मैप लगाऊंगा तो कहाँ स्टे करते जाएंगे, रेस्ट करते जाएंगे। आपको मैं दिखाता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ स्टे कर रहा हूँ। गाड़ी के अंदर ही ऑब्वियसली स्टे करूँगा। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो है ना भाई का गाड़ी के ऊपर ट्रिप होने वाला है। स्टे ट्यून रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बाद की दो टनल्स थी, अब हमने टोल प्लाजा दिए और दे चार्ज अस 200 रुपीज़ फ्रॉम इस्लामाबाद टिल मानसेरा। और यह सीधी सड़क थाकोट की तरफ जा रही है और मानसेरा टनल से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टनल बनी हुई है और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस वाली साइड से, हज़ारा जो मोटरवे है एक्सप्रेस मोटरवे की टनल्स को पास करते हुए। पहली टनल तो बहुत बड़ी लंबी थी और उसमें लाइट्स भी ऑन नहीं थी। अकेला ही भाई जा रहा था। चल एटलीस्ट इस ये लंबी टनल है लेकिन एटलीस्ट लाइट्स ऑन है। और रात का 11:20 लाहौर से निकले हुए मुझे 6:20 हो चुके हैं और 1 घंटा मैंने नमाज वगैरह और खाना शाना खाया। हम जो है न्यू बालाकोट सिटी से निकलेंगे इंशाल्लाह। जी तो गाइस अभी आपका भाई जो है पहुंच गया है
बालाकोट इस टाइम 1 बज रहा है, पेट्रोल वगैरह फिलअप कराया यहाँ से बालाकोट से, तो भाई क्या बताएं, पेट्रोल जो है पहले कहाँ 1500 2000 में फिल हो जाती थी, अब यार 18 15 लीटर सिर्फ पेट्रोल, 3500 4500, कमाल हो, इतने के टैंक फुल हो जाता था यार। चले एनीवेज, अभी आपका भाई इस टाइम जो है ना 1 बजे बालाकोट में, ये पीछे एक रेस्टोरेंट है फैमिली रेस्टोरेंट, गैलेक्सी गैलेक्सी कॉटेजेस है, यहाँ पर आपका भाई जो है थोड़ा सा रेस्ट करेगा, चाय शाय पिएगा और सफ़र को जो है मज़ीद आगे खींचेंगे इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि सुबह 6 बजे जो है, 5 से 6 बजे के दरमियान नरान पहुँचा जाए और बाटा कुंडी से नाश्ता किया जाए और देन अपना सफ़र जो है कंटिन्यू किया जाए। तो एनीवेज चलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले सफ़र पे, तो स्टे ट्यून विद मी, साथ रहिएगा।